नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं दिलाई विरोचित वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज तुलसी विवाह कार्तिक उद्यापन के बाद तुलसी विवाह के नाम तुलसी विवाह का एक रस्म एक पूजा है। इसी क्रम में भगवान विष्णु की बारात निकाली जाती है। झाझा के बाबू माँ के तमाम श्रद्धालुओं ने बहुत ही भव्य भगवान विष्णु की बारात निकाली। हम आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाना चाहेंगे। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, हिंदू धर्म में विविधता में एकता लिए कई ऐसे अनुष्ठान हैं, कई ऐसे पर्व हैं जहां महिलाएं पुरुष सारे लोग मिलकर बहुत ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। आज इसी क्रम में भगवान विष्णु की बहुत ही भव्य बारात निकाली गई। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। बारात निकली है, क्या है मतलब किन किस कौन भगवान की बारात है? विष्णु भगवान की। क्यों, क्या हुआ था आज? तुलसी विवाह है। अच्छा, तुलसी विवाह है। अच्छा, उसी का आज बारात निकल रही है। अच्छा, उसी का बारात निकल रही है। अच्छा, उसी का क्या मैडम बताइए, कुछ जानती हैं तो? जानते हैं, इसलिए तुलसी विवाह का शादी सालिग्राम जी से होता है। अच्छा, तो इनका शादी सालिग्राम के साथ होता है तुलसी का। अच्छा, सालिग्राम जी का तुलसी माँ सालिग्राम और कृष्ण तो एक ही है ना, इसलिए इनका शादी तुलसी माँ सालिग्राम के साथ होता है। लेकिन वो तो पत्थर जैसा है, वो तो चल नहीं सकते, इसलिए भगवान का कृष्ण भगवान का लगा देते हैं। इसी कारण से भगवान उनको उसी का पति का रूप लेके उनको आना पड़ा। तब आके तब पूजा सूट गई, प्रणाम की, पूजा सूट गई, इस कारण से उसका पति को मार दिया गया, शंकर भगवान मार दिए उनको। जब सर आके गिरा उनके पास तो उनको पता चला कि मेरा पति नहीं है, तब बोलने लगे श्राप दे दी, श्राप दे के उसको राख कर न हो जाओ, नहीं राख बना है, राख से फिर सब भगवान सब वही पत्थर का बन गया ना, वही जो बारात निकली मैडम, क्या महत्व है इसका? कार्तिक महात्म का है ना, विशेष करके उसी का बारात निकला। आज तुलसी विवाह हुआ है उनके घर में और उसी का उधर से बारात निकला हुआ है। अच्छा, तुलसी माँ बनी, लेकिन तुलसी माँ बने पहले वो वृंदा थी और वृंदा जालंधर की पत्नी थी। जालंधर असुर था, असुर साम्राज्य का बहुत बड़ा राजा था, वो भगवान से युद्ध कर रहा था तो सभी भगवान उसे हार मान गए,
और तुलसी जो है जला जो परिंदा है वो विष्णु भगवान का इतना परम भक्त है कि उस परम भक्त के कारण विष्णु भगवान के पूजा में ही लग गई। और जब वो युद्ध पर जा रहा था जलंधर, तो वो बोले कि जब तक आप युद्ध से नहीं लौटेंगे तब तक मैं इस पूजा से नहीं उठूंगी, मेरा ये संकल्प। एक तरह से ये बारात विष्णु भगवान की है क्या? विष्णु भगवान की बारात, पता नहीं चढ़ेगा। जो यहाँ पालकी में बैठे हुए हैं, जहाँ तमाम जो श्रद्धालु दे कंधा दे रहे हैं, यहाँ पालकी में बैठा के लिए आ रहे हैं, और तमाम महिलाएं हैं जो आज भगवान विष्णु की बारात में तमाम पुरुष आज यहाँ शामिल हुए।